और ये फ्रेंड गुड आफ्टरनून। ये बच्चों आप लोग क्लास फर्स्ट में आपका हिंदी में पार्ट 10 लेसन 10 एस्किमो एस्किमो चल रहा था। और इसमें हमने आपको पिछले वीडियो में इसमें आपका पाठ के आधार पर स्थानानुकृति कीजिए अभ्यास के प्रश्न में दूसरा था पाठ के आधार पर स्थानानुकृति कीजिए ये कंप्लीट किया था। और तीसरा था आपका हाँ अथवा नहीं में उत्तर दीजिए। ठीक बच्चों ये आपको हमने कंप्लीट कर दिया था। और आज जो है हम हिंदी में आपका अभ्यास के प्रश्न में ही चौथा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चौथा आपका है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बच्चों निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें आपका पहला प्रश्न है क विद्यार्थी मोटे ऊनी कपड़े क्यों पहने हुए थे। विद्यार्थी मोटे ऊनी कपड़े क्यों पहने हुए है। विद्यार्थी मोटे ऊनी कपड़े क्यों पहने हुए थे। आपको पहले का है सर्दी के दिन थे बाहर तेज और ठंडी हवा चल रही थी तभी विद्यार्थी मोटे ऊनी कपड़े पहने हुए थे लेकिन फिर भी ठंड से कांप रहे थे। ठीक है यानी कि बेटा क्यों पहने हुए थे क्योंकि सर्दी का दिन था और बाहर तेज ठंडी हवा चल रही थी। ठीक है सर्दी का दिन था और बाहर तेज और ठंडी हवा चल रही थी इसलिए सभी विद्यार्थी मोटे ऊनी कपड़े पहने हुए। ठीक है थोड़ा लिखते हैं आप बाहर तेज और ठंडी हवा चल रही थी इसलिए नए विद्यार्थी मोटे ऊनी कपड़े पहने हुए थे। या फिर सर्दी का दिन था और बाहर तेज और सर्दी का दिन था और बाहर तेज क्यों ठंडी हवा चल रही थी। ठीक है इसलिए सर्दी का दिन था। ठीक है सर्दी का दिन था और बाहर तेज एवं ठंडी तेज एवं ठंडी हवा चल रही थी। ठीक है सर्दी का दिन था और बाहर तेज एवं ठंडी हवा चल रही थी इसलिए विद्यार्थी मोटे ऊनी कपड़े पहने हुए थे। इसलिए विद्यार्थी मोटे ऊनी कपड़े पहने सर्दी का दिन था और बाहर तेज एवं ठंडी हवा चल रही थी इसलिए विद्यार्थी मोटे ऊनी कपड़े पहने हुए थे। ठीक है ये सब एस्किमो अपने घर किसके रहते हैं। एस्किमो अपने घर किससे बनाते हैं उनकी बनावट कैसी होती है। उनकी
बनावट कैसी होती है? ठीक है, तो बेटा ये सीमो जो है अपने घर किससे बनाते हैं, अगला है उनकी बनावट कैसी होती है। तो आप देखेंगे यहाँ पर बर्फ के घरों में, ठीक है, दुनिया में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो वर्ष भर घर बर्फ के घर पर रहते हैं, यानी कि ये सीमो अपने घर किससे बनाते हैं, ये सीमो अपने घर बर्फ से बनाते हैं। ठीक है, ये सीमो अपने घर बर्फ से, ठीक है, बर्फ से बनाते हैं। ठीक है, ये सीमो अपने घर जो है किससे बनाते हैं, बर्फ से बनाते हैं। सीमो अपने घर बर्फ से बनाते हैं और यहाँ से घर की बनावट कैसी होती है, पौधे कटोरे के समान होती है। लिखेंगे उस उनकी बनावट घर की बनावट है, घर की बनावट है उनकी बनावट, उनकी बनावट उनकी बनावट घर की जो बनावट उनकी बनावट कैसी होती है, पौधे कटोरे के समान, पौधे उल्टे, ठीक है, औंधे औंधे कटोरे के समान होते, कटोरे के औंधे कटोरे के समान बेटा। एस्किमो अपने घर बर्फ से बनाते हैं और उनकी बनावट जो है औंधे कटोरे के समान, जो उल्टे कटोरे के समान होती है, आप उसमें देख सकते हैं। ठीक है, उसमें आपका घर बना हुआ है, देख सकते हैं आप घर बना ही कर उसका आकार देख सकते हैं आप। ठीक है, इसे स्टॉप हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, रेंडियर स्कीमो के किन किन कार्य माता है। प्रश्न का रेंडियर स्कीमों के किन किन कार्यों में आता है, रेंडियर स्कीमों के किन किन कार्यों में आता है। रेंडियर स्कीमों के किन किन कार्य बताए, रेंडियर का जो है रेंडियर स्कीमों के किन किन कार्य बताए बेटा। तो आप देख सकते हैं रेंडियर जो है रेंडियर डोज, रेंडियर के जो है दूध पीने के कार्य में, उसका मांस खाने, उसे खाल के कपड़े पहनने, उसके बर्फ का कार्य खींचने के काम में आते हैं, उसके इसमें आपका चश्मे चलाने के लिए कई कार्य हैं बेटा। आप लिखेंगे रेंडियर जो होता है, जानवर जो होता है वह क्या करते हैं, तो किन किन काम आता है। तो रेंडियर का जो है आपका एस्किमो दूध पीते हैं, ठीक है, रेंडियर एस्किमो दूध पीते हैं, उसी का मांस खाते हैं। ठीक है, आप लिखेंगे एस्किमो लोग रेंडियर का दूध पीते हैं, उसका मांस खाते हैं, उसके खाते कपड़े पहनते हैं और उसका लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, एस्किमो एस्किमो
बोलो रेंजर एस्किमोलोग रेंडियर का दूध पीते हैं, ठीक है, रेंडियर के जनों पशु रहकर दूध पीते हैं और मांस खाते हैं, उसी का जो है मांस खाते हैं, ठीक है। जानवरों की हड्डियों से क्या क्या बनाते हैं, उत्तर देते हैं एस्किमो जानवरों की हड्डियों से हथियार एवं सुइयां बनाते हैं, ठीक है। क्या लिखा है, जानवरों की हड्डियों से लिखेंगे एस्किमो जानवरों के हड्डियों से जानवरों की हड्डियों से ही, ठीक है, एस्किमो जानवरों की हड्डियों से ही हथियार हथियार एवं हथियार एवं सुइयां हथियार एवं सुइयां आग बनाते हैं, आग बनाते हैं। बच्चों एस्किमो जो है जानवरों के लिए हथियार बनाते हैं, तो बताइए एस्किमो चारों जड़ियों से ही हथियार आदि बनाते हैं, ठीक है। इस तरह बच्चों ये पाठ का जो है अभ्यास का प्रश्न जो है पाठ प्रश्न चार मिनट में जो उत्तर दीजिए, आपका समाप्त हो जाए, इसलिए जो है अच्छी तरह से अपनी कॉपी पर राइट कर लेंगे और लर्न कर लेंगे का। और नेक्स्ट वीडियो में आपको उसके आगे इसमें शब्द बोध और व्याकरण बोध दिया है, इस बात को नेक्स्ट वीडियो में बनाया जाएगा। तब तक के लिए बाय बच्चों।